किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान नौगांव अलवर की अनुसंधान विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होते हैं। किसानों को तकनीकी हस्तांतरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई प्रकार की तकनीकी हस्तांतरण का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इसीलिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं। पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर भी कुछ इसी तरह का अनुसंधान वाला कार्य कर रहा है। अलवर जिले का कृषि विज्ञान केंद्र अलवर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नौगांव में स्थित है। आइए आपको लिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर और करवाते हैं वहां की आपको यात्रा। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर में विभिन्न प्रकार की किसानों के लिए गतिविधियां संचालित हो रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर में आंवला की एक यूनिट है। आइए सबसे पहले मिलते हैं वहां के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष यादव से और जानते हैं वहां की गतिविधियों के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा वर्ष 1992 से अलवर जिले के किसानों के लिए कार्यरत है। यहाँ पर हम लोगों ने किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों प्रदर्शनों और उनके विजिट के दौरान जो हमारे यहाँ यूनिट्स हैं वो एस्टेब्लिश की हुई है ताकि किसान देख के उनको सीखें, उनके यहाँ उन यूनिट्स में काम करके सीखें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक फ़ायदा पहुँच सके। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत है नई दिल्ली के द्वारा, जो कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर हम किसानों के लिए 17 लाइव यूनिट्स हमारे पास में यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें हम बीज उपलब्ध करवाने के लिए सीड हब योजना के अंतर्गत है। हमारे पास में ऑर्चार्ड है, जिसमें मुख्य रूप से आंवले का ऑर्चार्ड है, बेर का ऑर्चार्ड है, किन्नों का ऑर्चार्ड है। नर्सरी इकाई है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न सब्जियों और पौधों की जो पौध तैयार करते हैं, फलदार पौधे तैयार करते हैं और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास में जैविक कृषि को, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएँ चल रही हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पर केंचुआ खाद इकाई है, नाडेप कम्पोस्ट कैसे तैयार करते हैं वो भी इकाई है, पशुपालन के लिए गिर नस्ल की गायों की इकाई भी है, साथ ही साथ बकरी पालन मुर्गी पालन की इकाइयाँ भी यहाँ स्थापित है। और इसके अलावा हम सीजनल जो क्रॉप कैफेटेरिया, जिसमें विभिन्न फसलों की जो उन्नत किस्में हैं जो हमारे इस क्षेत्र के लिए इस ज़िले के लिए लाभदायक हैं, उन किस्मों को भी हम तैयार करते हैं, यहाँ दिखाते हैं किसानों को, और जो भी विजिटर्स रहते हैं फार्मर्स आते हैं उनको हम यहाँ उन जो प्रदर्शन इकाई हैं उनके माध्यम से अधिकाधिक प्रचार प्रसार करते हैं। और कृषि के लिए जो किसानों को सहयोग की बातें होती हैं वो सब हम यहाँ पर स्थापित कर रखे हैं और दिखाते हैं। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्रों का महत्व अपने आप में बहुत ही अनूठा है। किसानों को चाहिए कि वो निरंतर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें और वहां की विभिन्न नवाचारी गतिविधियों से अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और उन योजनाओं का लाभ उठाते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर पर एक वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की इकाई भी कार्य कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की जो इकाइयों की अपन बात कर रहे थे, अभी हम खड़े हैं वर्मी कंपोस्ट इकाई के पास में। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट इकाई में हम जानते हैं किसान भाइयों, केंचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है और बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे
पूर्वजों के टाइम किसानों के खेतों में केंचुआ मिलता था, आजकल नहीं मिलता है। तो हमको इसको घरों में जो है नर्सरी तैयार करके, इसको इकाई तैयार करके यहाँ पे पालना चाहिए, और साथ ही साथ जो गोबर खाद है उसको कच्चा न डाल के, या कचरा जो है खेत का कचरा है उसको खाद के रूप में परिवर्तित करके उपयोग लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा है जो हमने यहाँ प्रदर्शन इकाई के रूप में बना भी रखा है। यहाँ किसान आते हैं, सीखते हैं और पालते भी हैं। इसके अलावा दूसरी इकाई हमारे पास में अजोला की है, जो कि हरी चारे के रूप में पशुओं के लिए बहुत अति आवश्यक है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। और किसान भाई उस अजोला को तैयार करके जो ऑफ सीजन है, जब हरा चारा नहीं मिल पाता जानवरों को, तब उसको उपयोग में लिया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र पर अजोला इकाई भी कार्य कर रही है। आइए जानते हैं मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से इन इकाइयों के बारे में। यहाँ आज अपन जो कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न गतिविधियों की बात कर रहे हैं, विभिन्न इकाइयों की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, अभी अपन खड़े हैं आंवले के बगीचे में। यहाँ पर हमारे पास दो जो किस्में हैं आंवले की, चकैया और NA7, उसके पौधे हमने लगा रखे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से, ये 6x6 मीटर पे पौधे लगे हुए हैं। और आप जानते हैं आंवले का अभी वर्तमान में और पहले भी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि विटामिन सी इसमें अत्यधिक होता है। तो कोरोना के बाद में, कोविड पीरियड के बाद में आंवला हमारे जीवन का एक मुख्य अंग हो गया और विटामिन सी बहुत ज़रूरी हो गया, ताकि दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएँ और हम स्वस्थ रह पाएँ। तो आंवला हमारा मुख्य एक अंग होने की वजह से आंवले के बगीचे बहुत ज़रूरी हैं, और पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छे पैसे देने वाला एक पौधा हो गया है आंवला। तो जो वातावरण का भी चेंजेज आ रहा है, प्राकृतिक रूप से जो टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा ये सेंसिटिव पौधा है। ये हमारा कृषक का एक साथी पौधा है, तो ये अगर बगीचे किसान भाई लगाते हैं तो इनसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, और किसान भाई उससे कृषि के साथ साथ जो बागवानी की तरफ बढ़ावा देना है, तो ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत अच्छा उपयोगी पौधा है। जिले का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रसार का केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर। यहाँ किसानों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। साल भर यहाँ उद्यानिकी वाला प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाता है। चाहे बात जैविक खेती की हो, चाहे बात प्राकृतिक खेती की हो, चाहे बात उद्यानिकी की हो, या चाहे बात जैविक खेती की हो, साल भर केंद्र के माध्यम से जिले के किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर यहाँ की जलवायु और यहाँ के वातावरण के लिहाज से खेती किसानी में किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं, आज KVK नौगांव में अपन जान रहे हैं, तो यहाँ पर नर्सरी इकाई भी हमारे पास में है, जिसमें हम सब्जियों की पौध भी तैयार करते हैं, फलदार पौधे भी तैयार करते हैं, और बागवानी के पौधे भी हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में भी पपीता का पौधा है। हम यहाँ पपीता और सहजन मुख्य रूप से किसानों को उपलब्ध भी करवाते हैं, जो पौधे तैयार करके, और उसके अलावा जो सब्जियाँ हैं वो तो मुख्य हमारा यहाँ से बिक्री होती है। लगभग 1.5 से 2 लाख हम पौध जो है किसानों को देते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फलदार पौधों के अलावा हम बागवानी के पौधे भी किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी है, जो नर्सरी के माध्यम से हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं। प्रतिवर्ष हम लोग जो नर्सरी की पौध तैयार करते हैं यहाँ पर, जैसे ही सरसों की हार्वेस्टिंग होती है फरवरी माह में, उस वक्त किसानों को पौध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके खेत भी खाली होते ही तुरंत पौध तैयार नहीं कर सकते हैं, पहले ठंड का मौसम होता है। तो हम लोग यहाँ तैयार करके किसानों को देते हैं। लगभग हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष 25-30 हेक्टेयर की पौध किसान यहाँ से लेके जाते हैं, जो सब्जियों की है। उसके अलावा फलदार बगीचे हमने किसानों के यहाँ लगवाए हैं, जिससे किसान बहुत ही लाभान्वित भी हुए हैं। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियाँ भी धीरे धीरे डाल रहे हैं। आंवले का भी और बेर का भी हमारे यहाँ रामगढ़ एरिया में ही बात करूँ तो मैं, लगभग 238 हेक्टेयर में बेर का बगीचा है, लगभग 450 हेक्टेयर के आसपास आंवले का पूरे अलवर ज़िले में बगीचा है, जो कृषि विज्ञान केंद्र की सहयोग से ही किसानों के यहाँ एस्टैब्लिश हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए वाकई एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में साबित हो रहे हैं, और यही कारण है कि इन केंद्रों का किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
हम आपको समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्रों की यात्राएं करवाते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी हम आपको किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों की सैर करवाएंगे, ताकि आपका कृषि ज्ञान बढ़े और आप उन्नत खेती की तरफ आगे बढ़ सकें। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं, तो देर किस बात की, कागज और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय, नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।